brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अभी मेरा भाई कह रहा था खुद बेरोजगार घूम रहा, हालात बुरे हैं। तजनी कह रहे भाई, तजनी कह रहे छो मना आ रहे तू। बहुत अच्छा नजरिया है बीजेपी सरकार का, और सबको मुफ्त में राशन दे रही है और देती रहेगी अगले 5 साल तक। मुफ्त राशन है मिलना चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए। हम लोग खरीद के खा लेंगे, लेकिन इतना तो हो कि एक मंथली सैलरी आए या कहीं से भी कोई जरिया हो कमाने का। धीरज राणा वोट करने के लिए आए। हाँ जी, भाई हमारा तो मुद्दा ये है, चौधरी साहब के हिसाब से चलने वाले आदमी हम तो। जैसा भी चौधरी साहब जो भी डिसीजन होगा उनका, उन्होंने गठबंधन में आए हुए उनकी चाहते हम। विकास तो करी रही है बीजेपी, विकास चल रहा है, हर चीज में विकास हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देख मेरा नाम सुनील लाखड़ा, देखिए हमारा जो वोट डालने का वो है रोजगार। रोजगार बिल्कुल खत्म हो गए हैं, सभी को जानकारी है। अभी मेरा भाई कह रहा था खुद बेरोजगार घूम रहा, हालात बुरे हैं। तजनी कह रहे भाई, तजनी कह रहे छो मना आ रहे तू। अच्छा तो ये है मेन मुद्दे, बेरोजगारी ज्यादा है देश में। छोटे छोटे जो 18 साल के लड़के हैं वे बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई के क्या हाल है। पहले सिलेंडर क्या कितने का आ रहा था, अब सिलेंडर कितने का आ रहा, ये तो महिलाओं से पूछ लो। रसोई हर चीज महंगी होगी। हमारा तो मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वोट दिया। मेरा नाम कुलवीर राठी है। हाँ जी, मुद्दे तो यही है जी, किसानों के और भाई बेरोजगारों के। जो है हम तो, हमारे जो नेता है जयंत चौधरी जी, पहले भाई विपक्ष में रह के सड़क पर लड़ाई लड़ी, अब जो है सरकार में रह के उसकी लड़ाई लड़ेंगे, किसान मजदूर की, रोजगार की। नहीं अब की बार तो 400 पार है, यहाँ तो एक तरफा नलका चल रहा। हाँ जी, यहाँ तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान है, कोई है ही नहीं। क्या नाम है? रवि कुमार। रवि कुमार, आप वोट डालने के लिए क्या मानते, किस तरीके से चुनाव को देखते हैं, क्या विकास हो? विकास ठीक है, हमारा तो एक ही उद्देश्य है बस, नल को चलाना। अब वो चल ही रहा है भाई, इससे ज्यादा कोई वो नहीं, विकास ठीक हो जाए। अलग अलग भाग है, क्या नाम है? मेरा नाम निशांत तोमर है। किस तरीके से देखते हैं, देखो जो ये बागपत सीट है ये स्टार्टिंग से चौधरी परिवार की सीट रही है। यहाँ के जो मुद्दे हैं हमेशा चौधरी परिवार ने मुद्दे उठाए, चाहे विपक्ष में रह के उठाए या पक्ष में रह के उठाए हैं, और आगे भी हमें यही उम्मीद है। अभी तक हम विपक्ष में रहकर सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे, जब किसानों के मुद्दे के साथ लेकर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने गठबंधन बदला है चौधरी साहब ने, लेकिन विचारधारा वही है, किसान युवा उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार में रहकर अपने काम करवाएंगे। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार लोगों को मिल रहा है, देखो रोजगार मिल रहा है, हर चीज में टाइम लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रही है बीजेपी ये सरकार, देख रहे हो आप 10 साल में इतने रोड बन रही है, रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोड पे फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, तो रोजगार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और अभी चौधरी साहब गए हैं तो चौधरी साहब कोई बिना मतलब तो गए नहीं है, जो भी चीज लेकर अपने मुद्दों को लेकर अपनी बातचीत को लेकर वहां मनवाने का काम करें किसानों की। अभी एक सभा में उन्होंने बोला भी था कि जैसे ये 400 पार का नारा, अगर सीटों का 400 पार का नारा है तो गन्ना भी 400 पार ही होगा। क्या नाम है? मोहम्मद नईम है। विकास के मुद्दों पे किस तरह का? अरे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोड अच्छे हों, सड़क अच्छी हो, और मेट्रो की भी बात रखी जाए यहाँ पे, और ये हमारा संकल्प है। किस तरह का देख रहे हैं, किस तरह का नजरिया है? बहुत अच्छा नजरिया है बीजेपी सरकार का, और सबको मुफ्त में राशन दे रही है और देती रहेगी अगले 5 साल तक, मुफ्त राशन है। पूजा, अच्छा पूजा जी, अब की बार किस तरह, क्या मुद्दे रहेंगे, किसको आप करने के लिए आइए, क्या देखेंगे? मुद्दा तो वही है, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि रोजगार मिलना चाहिए। आज की यूथ ऐसे ही घूम रही है, उनके पास एजुकेशन है, डिग्रीज है, लेकिन जॉब नहीं है। हमारी तरफ के लोग तो जो लड़के हैं पुलिस की भर्ती पे, आर्मी पे, इन चीज़ों पे रिलाय करते हैं। इतने साल हो गए कोई भर्ती नहीं निकली है, तो कोई कंप्लीट नहीं हुई है,
तो यही सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ा तो यही है, रोज़गार मिलना चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए, हम लोग खरीद के खा लेंगे, लेकिन इतना तो हो कि एक मंथली सैलरी आए या कहीं से भी कोई जरिया हो कमाने का। मुफ्त का राशन या मुफ्त की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस ये है कि जॉब मिलनी चाहिए। मेरा नाम चंद्रवीर, रहने वाले यहीं की हैं, प्रॉपर बड़ौत की, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है और इन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हैं और चलते रहेंगे। इस नीम ने विकास किया है और बुजुर्गों ने भी इन्हीं की भावनाओं का आदर किया है और हम भी करते रहेंगे। हाँ जी, चल बोलो। मेरा नाम सरला, मेरा नाम सरला देवी है और चरण सिंह की भूमि इसी पर ही चलते रहेंगे। और महंगाई, हाँ जो भी है, खत्म करो और रोजगार प्रदान करें, सब अच्छा ही होगा। ठीक।